नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में एक रेंज रोवर और एक ऑल्टो। ऑल्टो आपको दिख नहीं होगी क्योंकि तो छोटी है ना मेरी गाड़ी, तो मैं आपको साइड में जाके दिखाता हूँ। ऑल्टो वहाँ पे खड़ी है और इन दोनों गाड़ियों को एक साथ एक फ्रेम में रखने का कोई लॉजिक नहीं ऑनेस्टली। मतलब आप इस गाड़ी को उस गाड़ी से कंपैरिजन सिर्फ इसी बात पे कर सकते हो, दोनों कार है, दोनों के चार व्हील मिलते हैं जिस पे वो चलती है, उसके अलावा कोई कंपैरिजन है नहीं इन गाड़ियों का। बट कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा, ये एजीबीजी वीडियो है जहाँ पे हम जो है ऑटोमोबाइल ज्ञान की बात करते हैं। और इन दोनों गाड़ियों में एक बहुत ही की थिंग है जिसका ध्यान इस गाड़ी में बहुत रखा जाता है, उस गाड़ी में ऑलमोस्ट नहीं रखा जाता है, उसकी बात करते हैं। जब आप कैबिन में बैठे रहते हैं तो कैबिन में कितनी साउंड आती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लक्ष्यूरी कार्स के लिए। इनफैक्ट सारे कार मैन्युफैक्चरर जो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो मानते हैं कि कैबिन नॉइज़ रिड्यूस हमें जो है करनी है। कैसे करनी है, कितना करनी है, वो डिपेंड करता है किस बजट की कार है। यहाँ पे रेंज रोवर द टॉप ऑफ द लाइन, जो एपिटॉम ऑफ लक्ष्यूरी आप उसको कह सकते हो रेंज रोवर के लाइनअप में, उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि अंदर कैबिन नॉइज़ उतनी ना आए। ऑन दी अदर हैंड ऑल्टो में जो है ये ध्यान रखा जाता है कि भैया सर्दी गर्मी धूप से बरसात हो रही तो ठीक है, आवाज़ अंदर आए ना आए उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या क्या चीज़ों से अंदर कैबिन नॉइज़ जो है रिड्यूस की जाती है उनकी बात करते हैं। मेरे पास एक डिवाइस भी वो लेके आता हूँ, ये हमारा डिवाइस यहाँ पे है मेरे पास में, और ये डिवाइस जो है वो साउंड नाप के बताएगा आपको। अलग अलग पॉइंट में इसको इस्तेमाल करूँगा, बट सबसे पहले कौन से वो चार तरीके हैं जिससे एक्चुअली साउंड आती है। वेल, सबसे पहली चीज़ जो है जो साउंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो इंजन, उसके बाद में जो है आपका रोड नॉइज़, उसके बाद में विंड नॉइज़, और सबसे लास्ट में ओवरऑल आसपास की जो एनवायरनमेंट नॉइज़ है वो। अब ये एनवायरनमेंट नॉइज़ वाला फैक्टर जो है बाहर के देशों में, दूर गांव में जो है थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वहाँ पे साउंड यूजुअली ज़्यादा नहीं होती। इंडिया में थोड़ा, या इंडिया जैसी कंट्रीज़ में हॉर्न और इन सब चीज़ों की साउंड जो है थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो फैक्टर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैन्युफैक्चरर किसी भी देश में गाड़ी डेवलप करे उस फैक्टर को ध्यान में जरूर रखते हैं। उसके बाद में कौन से वो चार चीज़ें हैं जिनसे एक्चुअल में नॉइज़ रोकी जा सकती है। सबसे पहला, एलिमिनेट द कॉज, जिसकी वजह से आ रही है उस कॉज को ही अवॉइड कर दो। दूसरा, अगर वो कॉज अवॉइड नहीं किया जा सकता है तो उसको ब्लॉक करो कि वो अंदर ना पाए। तीसरा, अंदर आ गई है तो उसको किसी न किसी तरीके से रिड्यूस करो। और चौथा जो है वो थोड़ा सा नया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। सब की बात करता हूँ मैं दोनों गाड़ियों के घूम घूम के इर्द गिर्द, ताकि जो है आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आए। सबसे पहले रेंज रोवर के साथ शुरू करते हैं। जो पहली चीज़ जो यहाँ पे है वो है इंजन नॉइज़। इंजन जो है, मैं इस गाड़ी का चालू कर देता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि कितनी वो नॉइज़ करता है। एक्चुअली इंजन नॉइज़ जो है वो उतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं होता है किसी भी गाड़ी में। जितना गाड़ी जो है उसका जो ओवरऑल सिस्टम है एसी का, और जो कंप्रेसर वगैरह, जो फ़ैन वगैरह है, वो कंट्रीब्यूट कर देता है। यहाँ पे मैंने अपना डिवाइस चालू कर लिया है, डीबीए में हम काउंट करेंगे, और आप नोटिस करोगे जैसे ही मैंने चालू किया है कंप्रेसर जो है वो भी चालू हो रहा है तुरंत इसके साथ में। ये आवाज़ डेवलप हो रही है, कंप्रेसर की आवाज़ है। सेवेंटी टू सेवेंटी समथिंग जो है आवाज़ जो है वो रेंज रोवर के कंप्रेसर के साथ में, चालू होने के साथ में जो है यहाँ पे आ रही है। हम इसको बंद कर देता हूँ, और अगर कंप्रेसर चालू ना हो तो ये इंजन जो है काफ़ी कम आवाज़ करेगा फॉर ऑब्वियस रीज़न। बट मेरा लॉजिक यही है कि गाड़ी चलती है, एसी चालू होता है, कंप्रेसर चालू होगा, वो फैन वैन सब चालू होंगे तो वो आवाज़ तो करेगा ही। अब आते हैं दी हम्बल ऑल्टो, दी वेरी हम्बल, एकदम मतलब बजट कार के रूप में बनी ऑल्टो। इसको मैं जो है चालू कर देता हूँ, एसी भी चालू कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा एसी भी चालू है, फ़ैन भी चालू है, सब कुछ मैंने चालू कर दिया, तो सिमिलर आवाज़ जो है ये भी करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि इंजन, क्योंकि एक लीटर का इंजन है, काफ़ी रिफाइंड मारुति बनाती है, ये 3 लीटर का इंजन है, हाउ एवर स्टिल रिफाइंड, तो इंजन तो ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करेंगे, बट कंप्रेसर के साथ में क्या माजरा है वो देखते हैं। सेवेंटी फाइव डेसिबल समथिंग आवाज़ है, थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ जो है वो ऑल्टो का इंजन बाय डिफ़ॉल्ट करता है। अब मुझे एक्चुअली इसके इंजन बेस जो है वो बंद नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब कि इंजन बेस की साउंड जो है वो मैन्युफैक्चरर कैसे रिड्यूस करते हैं। सबसे पहली चीज़ एक और है, अगर आपको ये डाउट है कि एनवायरनमेंट में कितनी नॉइज़ है तो मैं दिखा देता हूँ। अराउंड 46-47 डेसिबल, हर एक डेसिबल जब बढ़ता है तो उसकी एक्चुअल में नॉइज़ जो ह्यूमन ईयर्स को आती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर ये 80 तक चले जाए, और 80 जो है एक डेंजरस लेवल के आउट ऑफ द कंफर्टेबल जोन के पास में जाने लगता है। इनफैक्ट 80 से ऊपर जाने पर ये मेरी वॉच जो है ये मेरे को सिग्नीफाई करने लगती है, बढ़िया आप थोड़े से लाउड एरिया में हो। तो यहाँ पे मैं इसका बेबी खोल लेता हूँ। अब इंजन नॉइज़ जो है वो कैसे रिड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरर, वेल उसका सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो इंजन जो है उसी को रिफाइन बना दो, अवॉइड जो है करने का तरीका है कि इंजन रिफाइन बना दो। अगर आप इंजन को रिफाइन बना दिए हो, सब कुछ कर दिया है, तो नेक्स्ट चीज़ है जो बच्ची कुची नॉइज़ है उसको रिड्यूस किया जाए। यहाँ पे मैं रेंज रोवर जब अंदर से खोलूँगा
तो आप देखोगे इसमें कई तरीके के जतन किए गए होंगे इंजन नॉइस प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया, मोटा इंसुलेशन एक्चुअली यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, काफ़ी बड़ा पैड जो है वो अंदर यहाँ देख पा रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, ओवरऑल कवरिंग वगैरह जो है ना सिर्फ ये एस्थेटिकली नीट वीट लगाने के हिसाब से दी जाती है, बल्कि आप कई चीज़ें एक्चुअली वहाँ अंदर देख पाओगे। ये फायरवॉल वगैरह है, ये चमक रही है वो तो अलग है, वहाँ अंदर की तरफ जो है काफ़ी सारी डैम्पनिंग इस्तेमाल की गई है इंजन बे के अंदर। नॉट जस्ट दैट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरफ जो है यहाँ पर भी कई चीज़ें हैं। यहाँ पर तो अभी आपको प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा होगा, बट यहाँ अंदर जो है काफ़ी सारी डैम्पनिंग इस्तेमाल की गई है जो कि ओवरऑल इंजन नॉइज को अंदर ट्रैवल नहीं करने देती है। जबकि जब आप ऑल्टो में देखोगे तो कॉस्ट जो है उसको सेव करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो एलिमिनेट कर दी जाती है। ये हमारी हम्बल ऑल्टो, अगर आप देखोगे तो यहाँ कोई भी इंजन इंस्टॉलेशन नहीं है। इनफैक्ट पूरी बॉडी जो है आपको यहाँ से खाली दिख रही है, किसी भी तरीके का कोई खास जो है फायरवॉल वर्क वगैरह भी नहीं किया गया। यहाँ से देखो, मैं टच करके बता सकता हूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वहाँ पे इस्तेमाल नहीं की गई है। तो हर एक चीज़ एग्जैक्टली ओपन जो है वो आपको नज़र आएगी और वो इंजन जो है अंदर फिल्टर करता जाएगा। बस जो मेटल शीट है वो जितनी साउंड रोक लेती है उतनी रोक पाएगी। अब ये तो बात हो गई इंजन नॉइज़ वगैरह की, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है विंड नॉइज़। विंड नॉइज़ एक ऐसा फैक्टर है जो कि आमतौर पर हम सोचते नहीं है बट मैन्युफैक्चरर बहुत सोचते हैं, क्योंकि दो रीज़न होते हैं, एक तो एरोडायनामिक्स इंप्रूव करने से फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और ओवरऑल विंड नॉइज़ जो है वो इंप्रूव हो जाती है। अगर आप रेंज रोवर को ही देखो तो ये अपने इस जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा राउंड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो शार्प एजस्ट चले गए हैं इस गाड़ी के। उससे दो फायदे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ड्रैग कोएफिशिएंट जो है वो रिड्यूस हुआ है, ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी जो है उससे बढ़ जाती है, गाड़ी जिस तरीके से हवा को चीरती है वो थोड़ा बेटर हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम उसकी वजह से जो है ओवरऑल विंड नॉइज रिड्यूस होती है। इनफैक्ट विंड नॉइज वगैरह में कई फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरीके से शोल्डर यहाँ पे दिया गया है, जिस तरीके का ओआरवीएम दिया गया है, कितना राउंड रखा गया है, विंड कैसे काटता है, इसमें विंड नॉइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आमतौर पर उन गाड़ियों जैसे ऑल्टो ऑल्टो में उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे तो ये ग्लॉस फिनिश देना जो है इट्स सेल्फ विंड नॉइज रिड्यूस करने का काम करता है। मैंने आपको थार की वीडियो में बताया था कि कैसे उसका अपराइट स्टांस जो है पीछे से यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करता है। अगर आप रेंज रोवर में आओगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे पीछे का स्टांस काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक बनाने की कोशिश की है, डिस्पाइट दी फैक्ट कि गाड़ी थार जितनी ही ऊँची, अभी तो इतनी ऊँची नहीं हो रखी क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ी सी मैंने कम कर रखी है, एयर सस्पेंशन रेज हो जाए तो ऐसे मतलब लगता है कि कोई 6 फुट का आदमी है उसका भी यूँ कर रखा उसने। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है विंड नॉइज़ रिड्यूस करने में एरोडायनामिक वगैरह में काम आते हैं। ज़्यादा सब कुछ एक एक डिटेल बताऊँगा तो आप बोरिंग हो जाएगी। इसके बाद में जो है मैं यहाँ पे आता हूँ पीछे की तोइज़, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रोड नॉइज़। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर गाड़ी को प्रॉब्लम में आती है, लेकिन रोड नॉइज़ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में सबसे बड़ी चीज़ एक्चुअली टायर्स है, और टायर जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं बनाता है। लैंड रोवर या जो है आपके पास में मारुति सुजुकी कोई टायर नहीं बनाते, तो भैया यहाँ पे जो है एक मैन्युफैक्चरर्स टाई अप करते हैं ब्रांड के साथ में, टायर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड के साथ में, कि ऐसा टायर बनाओ जो रोड नॉइज़ कम दे। वो चीज़ ऑल्टो के साथ में सही नहीं है, उन्होंने बोला कि भैया कोई टायर दे दो जो सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता हो, ठीक ठाक ग्रिप देता हो, दे दो हमें, वो लगा दो, सस्ता पड़ता हो, वो यहाँ पर लगा दिया गया। बट यहाँ पर कई बार मैन्युफैक्चरर स्पेशली जाते हैं कि भैया हमें ऐसा टायर बना के दो जो कि रोड नॉइज़ कम करे, पैटर्न उसका ऐसा बना के दो, और ये चीज़ें हमें चाहिए, और इसी वजह से जो है उनकी थोड़ी सी कॉस्ट टायर से ज़्यादा होती है। वो चीज़ यहाँ पे की जाती है। नॉट जस्ट दैट, अगर फिर भी रोड नॉइज़ आ रही है तो उसको एलिमिनेट कैसे किया जाए? वेल, उसके लिए कई जगह डैम्पनिंग लगाई जाती है। अगर आप देखोगे ऑल्टो में तो यहाँ ऑल्टो में जो है इस जगह को, इस पूरे पार्ट को आप देख सकते हो, ये पूरा मेटल है। मैं अगर हाथ लगा रहा हूँ तो ये बज रहा है, यहाँ पे आवाज़ आ रही है प्रॉपर। किसी भी तरीके का कोई इंसुलेशन जो है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया, इसकी वजह से यहाँ जो रोड नॉइज़ है वो अंदर ट्रैवल करती है ईजिली, किसी भी तरीके से रिड्यूस नहीं होती है। सस्पेंशन वगैरह जो है हर एक चीज़ अंदर ट्रांसलेट करते हैं, वाइब्रेशन नॉइज़ सब कुछ। बट ऑन दी अदर हैंड, एक मिनट अगर आप रुक जाओ तो मैं आपको जो है इस रेंज रोवर का सस्पेंशन जो है वो लिफ्ट कर दूंगा ताकि थोड़ा सा बेटर मैं दिखा पाऊँ। तो भैया यहाँ पे जो है मैं ऊपर कर रहा हूँ सस्पेंशन ताकि मैं आपको थोड़ा सा बेहतर दिखा पाऊँ कि अंदर जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे भरी गई है इस गाड़ी में। अगर आप क्लोज आओगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो है ये ब्लैक मटेरियल जो आप देख पा रहे हो, दिस इज़ नॉट मेटल, ये यहाँ पे फाइबर प्लस प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल किया गया है, फैब्रिक प्लस फाइबर जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और ये फैब्रिक प्लस फाइबर जो है काफ़ी हद तक नॉइज़ रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप सस्पेंशन को भी देखोगे तो काफ़ी उसके आसपास जो है वो शीट वगैरह डैम्पनिंग की गई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया जो कि ओवरऑल वाइब्रेशन को रिड्यूस करे। जब वाइब्रेशन रिड्यूस होते हैं तो बाय डिफॉल्ट नॉइज़ जो है वो हल्की सी कम हो जाती है। इनफैक्ट नॉइज़ इज इटसेल्फ काइंड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब हम बोलते हैं तो वाइब्रेशन ही है, इस वजह से हमें सुनाई देता है जिस तरीके वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। एनीवे, तो ये बात हुई रोड नॉइज़ रिड्यूस करने की। नॉट जस्ट दैट, एक बार रोड नॉइज़ रिड्यूस हो जाए उसके बाद में कई और चीज़ें की जाती है। बाय द वे, एक चीज़ में बताना भूल गया होगा आपको, द क्लासिक एग्जांपल, ये फ्लश डोर हैंडल्स जो है ना सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं बल्कि एरोडायनामिक्स और इवेंचुअली विंड नॉइज़ रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी गाड़ी लॉक होती है, जो कि अभी होगी नहीं, तब ये जो अंदर चले जाते हैं, होगी इसलिए नहीं क्योंकि चाबी मैंने अंदर रख रखी है, बट अगर आप इनको लॉक करें जो अभी आप देख पा रहे हैं तो ये जो है कम्प्लीटली फ्लश हो जाते हैं कैबिन में, और किसी भी तरीके की आवाज़ जो है विंड नॉइज़ जो है वो आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में मैं कैबिन में आता हूँ। कैबिन में क्या आया हूँ कि भैया अगर आवाज़ अब अंदर आ ही गई है
तो वो आवाज़ अंदर आने के बाद में क्या चीज़ें हैं जो आवाज़ रोक सकते हैं। ओके, तो मैं अंदर आ गया हूँ रेंज रोवर के, और एक स्पेशल चीज़ के आवाज़ ब्लॉक करने वाली बाद में बताऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ तो बाद में बताऊँगा, बट फिलहाल चलती गाड़ी में जो है मेजर करते हैं कि क्या वॉल्यूम लेवल्स है। एसी जो है वो अपनी लोवेस्ट पे तो नहीं, सेकेंड लोवेस्ट स्पीड पे है, और गाड़ी की स्पीड मैं कर देता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर पे यहाँ पे गाड़ी चल रही है। एंड लेट्स सी, अराउंड 54-55 dBA जो है आवाज़ यहाँ पे आ रही है, और मैं चल रहा हूँ अभी एक सीमेंटेड टारमैक वाले पैच पे। सीमेंटेड पैच पे आवाज़ थोड़ी सी शायद ज़्यादा हो सकती थी। देखो, बात ये है कि इस गाड़ी में जो है अंदर भी अब जो नॉइज़ आ गई है उसको रिड्यूस करने के लिए भी बहुत काम किया गया। जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, चाहे आप यहाँ टच कर लो सॉफ्ट पैनल, ऊपर टच कर लो यहाँ पे सॉफ्ट पैनल, चाहे आगे डैशबोर्ड पे टच कर लो, कहीं पे भी मार लो आप, उससे आवाज़ रीबाउंड कम होती है। और इनफैक्ट वुडन पैनल का इस्तेमाल किया गया जो कि प्लास्टिक से तो कम ही जो है आवाज़ को वापस रिफ्लेक्ट करता है। तो वो चीज़ जो है हर एक चीज़ सोची गई है, प्लस इतना ज़्यादा मटेरियल ओवरऑल गाड़ी में लगा हुआ है कि वो आवाज़ टकरा के इधर उधर बिखर जाती है, इजीली वापस जो है रिफ्लेक्ट होती नहीं है। प्लस मैं बात कर रहा था टेक्नोलॉजी की, वो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, इसके जो स्पीकर सिस्टम है वो बाहर से आई हुई आवाज़ को सेंस करते हैं, अलग अलग जगह माइक्रोफोन्स लग रखे हैं, और वापस जो है उनको काटने के लिए जो है आवाज़ मतलब वाइब्रेशन छोड़ते हैं, तो उस वजह से जो है ओवरऑल आवाज़ जो है वो कम हो जाती है। ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एड्रेस नहीं है जो ऐसे ऐसे काम कर रहा हो, इस एड्रेस के अंदर स्पीकर लगे हुए हैं जो कि एक्चुअली उस टाइम पर हेल्प करते हैं। इनफैक्ट जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो भी इन स्पीकर से आवाज़ आती है। ओके जी, तो हम्बल ऑल्टो में है हम, सेम सेटिंग पे है, 41 की स्पीड है, उसको बढ़ा के हमने कर दी 48, 49, 50 की स्पीड है, और लेट्स सी क्या निकल के आता है। तो लगभग 61-62 के आसपास है। हम एक सेम पैच पे चला रहे हैं, वही टारमैक वाले पैच पे, और वही एसी की सेटिंग है, सब कुछ वही है भैया, कुछ भी बदला नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे साउंड जो है वो ज़्यादा हो गई है। ऑल्टो में सब कुछ बजता है, सब कुछ बजेगा, जो भी आप बजाना चाहो वो बजता है, और वॉइस जो है वो वापस पलट के आती है अंदर, उस वजह से जो है ओवरऑल नॉइज़ वगैरह लेवल ज़्यादा है। ये लेवल और बढ़ते जाते हैं जब आप स्पीड तेज़ करते हो, तो जब आप 100 पे होगे तो जो अपनी रेंज रोवर है वो स्टिल अराउंड 55-60 के बीच में हवर कर रही होगी, ये पहुँच के 70 प्लस चली जाएगी। तो भैया, मैं बोल रहा था आपको कि एंड होने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, और वो है विंडोज़। ये अगेन एनवायरनमेंट नॉइज़ जो आती है उसको ब्लॉक करने के हिसाब से जो है बनाई जाती है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर विंडो यहाँ पर दी गई है, ये सिंगल शीट वाली विंडो आपको यहाँ पे दिख रही है, नॉर्मल सी है, पतली है, थोड़ी सी आवाज़ कम ब्लॉक करेगी, इसको बोलते हैं सिंगल पेन विंडो। ये जो आपका पेन है उसको बढ़ा सकती है आवाज़ वाला, अगर ये सिंगल पेन है तो। बट लग्जरी ब्रांड जो है वो प्रेफर करते हैं कि भैया इट शुड नॉट बी सिंगल पेन, इट शुड बी डबल पेन विंडोज़। PANE की बात कर रहा हूँ मैं, PAIN की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे क्लोजली तो ऑल्टो जैसे दो जो है ग्लासेस आप यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि चिपके हुए हैं बीच से, और उसकी मोटाई जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है ओवरऑल। तो इस पर्टिकुलर मोटाई की वजह से ओवरऑल साउंड जो है, इनफैक्ट यहाँ दबाने पर भी भाई एक अलग सा आवाज़, मतलब से एकोस्टिक सी फील आती है, दबी दबी सी आवाज़ जो है वो आ रही है। तो ये जो है खास की डिफरेंसेस होते हैं नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए जो है वो मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। अब ऑल्टो जैसी गाड़ी जहाँ पे उसका ध्यान नहीं दिया जाता है, और रेंज रोवर जैसी गाड़ी जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनमें डिफरेंस है। बीच की जो गाड़ियाँ हैं उसमें कुछ फीचर्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, हो सकते हैं ड्यूअल पेन विंडोज़ जैसे आपको सिर्फ लक्जरी कार्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो डैम्पनिंग है वो धीरे धीरे विद द बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। कुछ गाड़ियों में इससे बढ़िया डैम्पनिंग जो है वो रोड नॉइज़ के लिए आती है, कुछ गाड़ियों में कम आती है, सेडान्स वगैरह जो कि लक्जरी के लिए फेमस उसमें थोड़ी ज़्यादा आती है। तो ये सब मोटा मोटी फीचर जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप ये जी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, अदरवाइज़ इन दोनों गाड़ियों को जो है एक साथ खड़ा करने का कोई सेंस है नहीं, तो बस यही है। आपने भी थोड़ा रेयर साइड देख ली ऑल्टो और रेंज रोवर को एक फ्रेम में इन अ वीडियो मेकिंग सेंस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।